उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में भाजपा को मिली सफलता को लेकर सीधी में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। विधानसभा के चुनाव में चार राज्यों में सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर गई। हमारी टीम ने भाजपा वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष सीधी से बात की। आइए दिखाते हैं आपको जगन्नाथ द्विवेदी की खास रिपोर्ट। युवती की वजह से कि मोदी की वजह से क्या मानेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से विकास और सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा की गारंटी का चुनाव था, जो हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहां के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। उसमें हमको बहुत अच्छी विजय मिली है। इसके लिए मैं श्रेय अपने राष्ट्रीय नेतृत्व देना चाहता हूं और यह चुनाव उत्तर प्रदेश में जाति पाति और धर्म से हट करके हुआ है, जो एक उदाहरण है और ये उदाहरण पूरे देश में लागू होगा। एक नारा था, जय श्री राम अयोध्या मंदिर, क्या यह मुद्दा प्रभावी हुआ? देखिए, जय श्री राम तो हम लोग सुबह से शाम तक वैसे ही सब हिंदू सनातनी करते हैं, तो ये नारा निश्चित तौर से सफल क्यों नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर का, काशी में जो कॉरिडोर बना है भगवान का, निश्चित तौर से सब असर। आप कितने दिन तक वहाँ चुनाव प्रचार में थे? मैं वहाँ 2 महीने था, 60 दिन। मैं 27 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी तक लगातार वहाँ। क्या लगा उस दौरान भी लगा होगा कि विरोधी तो हैं? जैसे अभी मुझे भाजपा के अलावा कोई समझ में नहीं आया। जैसे अभी भाजपा जिलाध्यक्ष से मैंने बात किया कि मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी। हाँ, क्या लड़की लड़ी और क्या हुआ उसका? वो कोई मैदान में थी नहीं। वास्तव में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल मैदान में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ही चारों तरफ उसके कार्यकर्ता और मैदान में थे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी जितनी पार्टियां हैं वो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें कोई संगठन नहीं है। लास्ट सवाल, पंजाब में आपके मोदी की रैली को रोका गया, वहां भी भाजपा की काफ़ी कमी है। देखिए, पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है, नहीं किसी न किसी गठबंधन के साथ लड़ती थी, और हमारा मत प्रतिशत वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है। वहाँ पर हमारा निश्चित तौर से, क्योंकि हम सहयोगी दलों के साथ लड़ते थे, तो संगठन उतना जड़ तक बूथ तक नहीं था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पर कांग्रेस का खात्मा हो गया है, ये भी आप जानते हैं। यूपी सहित अन्य राज्यों में जो आप भाजपा की जीत हुई, इस पर आप क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, तो पूरे देश में जिस प्रकार से सेवा भाव लेकर के भाजपा का कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो प्रत्येक जनता को यह लगता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद, सुशासन, सेवा को भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को चार राज्यों में दिलानी है। और उस विषय के लिए मैं आपके विंध्य भारत चैनल की तरफ से तमाम नागरिकों को, सीधी जिले के और देश के नागरिकों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने फिर से भाजपा पर भरोसा जताया। मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी, यह अभियान फ्लॉप क्यों हुआ? देखिए, जहाँ देश में आप सब जानते हैं कि पूरे देश में आदरणीय मोदी जी ने जहाँ नारी के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव होता था, 3 तलाक समाप्त करके जहाँ समानता लाई, वही योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम महिलाओं बहनों को सुरक्षा प्रदान की। और वह सुरक्षा जिस प्रकार थी, वहाँ तमाम महिलाएं और हमारी बहनें एक आती थी, योगी आदित्यनाथ के राज में हम सुरक्षित हैं। तो ये आप मानिए कि केवल नारा देने से कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनकी जो तमाम जो नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व के और सेवा के आधार पर लोगों को वोट मिलता है। कांग्रेस केवल चुनाव करने के समय आती है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। कांग्रेस देश में और आज कांग्रेस बहुत ज़्यादा नेता और कार्यकर्ता
बदलाव की जरूरत है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कार्यालय बंद कर देना चाहिए। क्या कांग्रेस ही कारकर्ता कह रहे हैं उसी बात का मैं उसका असर मध्य प्रदेश में कितना होगा? कांग्रेस के यूपी में सफाया हुआ, पंजाब में हुआ, मध्य प्रदेश में कितना असर होगा आने वाले चुनाव में? आप जानते हैं जगन्नाथ जी कि आदरणीय मोदी जी और शिवराज जी की अगुवाई में गरीब के पेट तक दाना पहुंचाने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। गरीब की थाली खाली ना रहे, गरीब को अन्न मिल जाए, गुंडागर्दी समाप्त हो जाए, एक स्वच्छ शासन मिले और आम आदमी को जो उसकी ज़रूरतें हैं वह मिल जाए, इसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव होंगे प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।